मध्य प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग की सदस्य नेत्री नूरी खान का सागर जिले के राहतगढ़ नगर में आगमन हुआ, जिसमें कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। वार्ड क्रमांक 14 इस्लामपुर मस्जिद के पास बैठक आयोजित की गई। साथ ही वार्ड क्रमांक 9 न्यू मदीना मार्केट झंडा चौक पर लोगों ने रूबरू होकर विभिन्न विषय पर चर्चा की। मध्य प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग की सदस्य नूरी खान ने संबोधित करते हुए कहा कि हिंदुस्तान के कोने कोने में नफरतों का माहौल पैदा कर दिया गया है। मध्य प्रदेश में 15 साल बाद कमलनाथ जी की सरकार को चुना गया था, लेकिन कुछ गद्दारों ने उस सरकार को गिराने का काम किया है, इस देश के लोकतंत्र के साथ चोट पहुँचाने का काम किया है। राहतगढ़ से सलमान कुरैशी की रिपोर्ट। राहतगढ़ पहली बार आने का मौका मिला। 9, 10, 11, 12 से 14 वार्ड में मैंने कई तरह के कार्यक्रम आयोजित यहाँ पर हुए हैं, और खासकर मेरा यहाँ आने का मकसद है कि अल्पसंख्यक बच्चे जो हैं उनमें शिक्षा और रोजगार की बातें की जा सके। साथ ही पूरे मध्य प्रदेश में अल्पसंख्यकों को अगर निशाना बनाकर उन पर कानूनी गलत कार्यवाहियाँ की जाती हैं, तो ऐसे सारे विषयों को मैं अपनी जानकारी में लाना चाहती हूँ, और अल्पसंख्यक आयोग के माध्यम से मैं कोशिश करूँगी कि अल्पसंख्यक समुदाय के हमारे भाइयों पर किसी भी तरह के झूठे प्रकरण दर्ज न किए जाएँ, उनकी संपत्तियों को नुकसान न पहुँचाया जाए। साथ ही मदरसा आधुनिकीकरण के तहत बच्चों के पास मदरसे एजुकेशन को लेकर जो पैसा आना चाहिए था, उसकी समीक्षा भी मैं करना चाह रही थी कि क्या हालात हैं। यहाँ के हालात शिक्षा के स्तर से बहुत पिछड़े हुए हैं, और चूंकि चुनाव भी आने वाला है, प्रत्याशी का जो जवाब है वो तो कमलनाथ जी और जो हाईकमान है वो तय करेंगे। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि क्योंकि मैं अल्पसंख्यक आयोग से आई हूँ, कि किसी भी तरीके से सरकार कोई सी भी हो, अल्पसंख्यक समुदाय पर ज्यादती या जुल्म जो है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सुर्खी विधानसभा में अभी तक प्रत्याशी तय नहीं किए गए, जनता बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही है। देखिए, आप जानते हैं कि कुछ लोगों ने, ये चुनाव का वक्त नहीं था, लेकिन कुछ लोगों ने गद्दारी करके सरकार को गिराया है। और रही बात प्रत्याशियों की, तो आदरणीय कमलनाथ जी सर्वे में जिसका नाम सबसे ज्यादा अधिक ऊपर होगा, जिसे आम जनता चाहती होगी, उसे मौका जरूर दिया जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।